धौलपुर जिले की रीट की परीक्षा का 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। दो पारियों में आयोजित हुई परीक्षा में अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। परीक्षा केंद्रों के बाहर महिला अभ्यर्थियों के सभी गहने उतरवाकर उन्हें प्रवेश दिया गया। नकल रोकने के लिए सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर पहले ही चेक कर जाने दिया गया। सुबह 10 बजे से शुरू हुई पहली पारी की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित की गई और इसके बाद दोपहर 3 बजे से दूसरी पारी की परीक्षा आयोजित की गई। जिले में आयोजित इस परीक्षा में कुल 22 परीक्षा केंद्रों पर करीबन 22,507 परीक्षार्थी 2 दिन तक परीक्षा देंगे। आज 2 पारियों में हुई परीक्षा में 11,669 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिनमें से 965 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पारी में 6,244 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिसमें से 445 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। द्वितीय पारी में 5,425 परीक्षार्थी नामांकित थे, जिसमें से 520 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। सभी परीक्षा केंद्रों पर महिला और पुरुष पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया। धौलपुर जिले से होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। धौलपुर समेत हाडौती क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के बाद काली सिंध, पार्वती और कोटा बैराज से पानी चंबल नदी में लगातार पानी आ रहा है। वर्तमान में चंबल नदी 127 मीटर के निशान पर बह रही है। चंबल नदी में पानी का स्तर 129.79 मीटर पर पहुंचते ही वार्निंग लेबल्स शुरू हो जाता है और 130.79 मीटर पर जलस्तर के पहुंचते ही नदी खतरे के निशान से ऊपर हो जाती है। पिछले साल बारिश के मौसम में चंबल नदी का जलस्तर करीब 145 मीटर पहुंच गया था। चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने से 30 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जिसके कारण हजारों लोग फंस गए थे और प्रशासन को दिन रात एक कर उनको रेस्क्यू करना पड़ा था। धौलपुर जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सुबह प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिकरवार अस्पताल के समय से 10 मिनट पहले ही पहुंच गए। पीएमओ सिकरवार ने सबसे पहले इमरजेंसी में पहुंचकर वहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों के रजिस्टर की जांच की। इमरजेंसी में एम्बुलेंस के ड्राइवर के 5 मिनट देरी से पहुंचने पर पीएमओ ने फटकार लगाई। इसके साथ ही ट्रोमा वार्ड का निरीक्षण कर वार्ड में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। औचक निरीक्षण को लेकर पीएमओ ने बताया कि देरी से आने वाले कर्मचारियों को चेक करने के लिए शनिवार सुबह अचानक सभी वार्डो का दौरा किया। दौरे के दौरान कुछ कर्मचारी 2 से 5 मिनट देरी से आए, इस पर उनको समय से आने के लिए हिदायत दी गई। पीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल में अलग अलग विभागों में काम करने वाले चिकित्सा कर्मियों के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है। निरीक्षण के दौरान सभी चिकित्सा कर्मियों से यूनिफॉर्म में रहने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कई जगह गंदगी मिलने पर सफाई इंचार्ज को बुलाकर मौके पर ही सफाई करवाई गई और आगे से गंदगी नहीं मिलने के लिए कहा गया। जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं बेहतर करने के साथ ही पीएमओ ने सभी कर्मचारियों को समय पर आने के लिए पाबंद किया और मरीजों को बेहतरीन इलाज देने के निर्देश दिए। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में स्थित हॉट मिक्स प्लांट पर काम करने वाले एक ट्रक ड्राइवर की देर शाम संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह खाना खाकर ट्रक के नीचे सो गया, जिसकी शाम को मौत हो गई। मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। ASI सुरेंद्र चंद ने बताया कि शनिवार सुबह जिला अस्पताल पहुंचे मृतक के भाई जगवीर ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसका छोटा भाई लोकेश पुत्र बसंत राम ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। वह 9 जून को शाहजहांपुर से धौलपुर में हाईवे पर निर्माण कार्य कर रही कंपनी में ट्रक चलाने के लिए आया था। शुक्रवार शाम को उसके भाई के साथी ड्राइवर रजनीश और प्लांट के मालिक ने फोन करके उसके भाई की मौत होने की सूचना दी। धौलपुर पहुंचकर उन्हें पता चला कि शुक्रवार को खाना खाने के बाद शराब पीकर वह ट्रक के नीचे सो गया था, जिसकी शाम को मौत हो गई। मौत के कारणों की जांच के लिए पुलिस ने उसके भाई की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले को लेकर थाने के ASI सुरेश चंद ने बताया कि मृतक शराब के नशे का आदी था, उसकी ट्रक के नीचे लाश मिली थी। मृतक युवा की मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमार्टम कराया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले का सबसे पुराना स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 से लेकर अब तक जिसके दर्जनों विद्यार्थी बने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर आदि, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय, बायोलॉजी, मैथ, वाणिज्य व कला वर्ग, विद्यालय का रिजल्ट हर वर्ष 98% से अधिक, जिसमें से अधिकांश विद्यार्थी 80% से अधिक अंकों से उत्तीर्ण, योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, खेल मैदान एवं पेयजल की उचित व्यवस्था,
न्यूनतम फीस में अच्छी शिक्षा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में शिक्षा ले, सभी संकाय में प्रवेश प्रारंभ, सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा कॉलोनी, आउटडोर के पीछे, जेल रोड, धौलपुर। संपर्क करें निदेशक अशोक मल्होत्रा 9460956307, प्रधानाचार्य कांता मल्होत्रा 9602291162। पूर्वजों की याद में करें पौधारोपण। गुमान सिंह धौलपुर में नगर परिषद धौलपुर प्रांगण में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर परिषद सहायक अभियंता गुमान सिंह सैनी ने अपने दादाजी की स्मृति में 10 पौधे लगवाए। गुमान सिंह सैनी ने कहा कि बरसात के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर आंगन में नियमित रूप से पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को पौधारोपण के माध्यम से संतुलित किया जा सकता है। उनके द्वारा अपने दादाजी स्वर्गीय जगन सिंह सैनी की स्मृति में नगर परिषद व परिवहन विभाग धौलपुर के कर्मचारियों के सहयोग से 10 पौधे लगाए गए। इस अवसर पर परिवहन निरीक्षक हरि सिंह मीणा ने कहा कि पौधारोपण वर्तमान समय की महत्वपूर्ण मांग है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में अनिवार्य रूप से पौधारोपण करना चाहिए। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से देवेंद्र शर्मा, भूदेव त्यागी, अनुराग खरे, वकील शमसुद्दीन खान व नगर परिषद के कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज मेरे द्वारा और मेरे उपस्थित स्टाफ के द्वारा नगर परिषद प्रांगण में 10 पौधा लगाए गए। ये पौधे मैंने आज स्वेच्छा से बरसात के मौसम को देखते हुए अपने स्वर्गीय दादाजी श्री जगन माली निवासी गेरई करौली की स्मृति में लगाए हैं। बरसात का ये मौसम बहुत पेड़ों के लिए बहुत ही उपयुक्त है और हमें हम सभी को प्लांटेशन करना चाहिए। कुशवाहा समाज बंधुओं ने श्री लवकुश जन महोत्सव को लेकर गांव-गांव जाकर दिया निमंत्रण। जय भोले कुशवाहा विकास समिति सेपऊ के तत्वावधान में श्री लवकुश जन महोत्सव एवं शोभा यात्रा कार्यक्रम को लेकर सूर्यवंशी कुशवाहा क्षत्रिय समाज बंधुओं के द्वारा समिति के मीडिया प्रभारी श्री डी के कुशवाहा के अनुसार कुशवाहा स्वजातीय बंधुओं के बीच जाकर 8 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले श्री लवकुश जन महोत्सव एवं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए गांव-गांव जाकर गाड़ी लज्जा खपरेल पाए कपुरा निमंत्रण किया। इस अवसर पर जय भोले कुशवाहा विकास समिति के अध्यक्ष रामहित कुशवाहा महादेव, लवकुश जन महोत्सव कार्यक्रम के संरक्षक कमेटी अध्यक्ष जबल सिंह कुशवाहा, सरपंच साहब कुशवाहा क्षत्रिय नवयुवक मंडल के अध्यक्ष अर्जुन सिंह कुशवाहा, मणि एवं उपाध्यक्ष श्री प्रेम सिंह कुशवाहा, पायका पुरा उदय सिंह कुशवाहा महासचिव, इस दौरान सैकड़ों कुशवाहा समाज बंधु उपस्थित रहे। एबीवीपी ने लगाई हेल्प डेस्क, रीट परीक्षार्थियों की सेवा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर के स्टूडेंट्स फॉर सेवा आयाम के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित की जा रही 23 और 24 जुलाई को रीट परीक्षा के लिए विद्यार्थी परिषद के द्वारा हेल्प डेस्क लगाई गई, जिसके अंतर्गत शहर के मुख्य स्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जगदीश तिराहा, गुलाब बाग पर परीक्षार्थियों को उनके सेंटर तक पहुंचाने ठहरने हेतु जानकारी दी गई। इस मौके पर नगर मंत्री राघवेंद्र सिंह परमार ने बताया कि राजस्थान में रीट की परीक्षा का 23 और 24 जुलाई को आयोजन किया जा रहा है। धौलपुर में भी परीक्षा आयोजित की गई। रीट की परीक्षा को लेकर नागरिकों से स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक मंडल, मैरिज हॉल संचालक, होटल संचालक से बाहर से आने वाले परीक्षार्थी को विद्यार्थी परिषद ने परीक्षा के हिसाब से इन स्थानों पर पहुंचने का कार्य किया। निजी विश्वविद्यालय प्रांत संयोजक अभिनव सिंह, पूर्व जिला संयोजक दिनेश गुर्जर, नगर उपाध्यक्ष राहुल त्यागी, जिला समिति सदस्य धीरेन्द्र कुशवाहा, भूदेव शर्मा, रामू कुशवंशी, देवेश सेन, भरत जाट, विकास अग्रवाल, प्रिंसिपाल सुमित कंदील, रोहित कुशवाहा, आदित्य वर्मा, अनिल कुमार, दीपेंद्र माहौर, सुमित गोस्वामी इत्यादि कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर जिले का सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल एकमात्र CBSE एफिलिएटेड विद्यालय, जिसके अंदर आपको सभी कक्षाएं फुल्ली AC व डिजिटल बोर्ड से संचालित हैं। कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष CCTV मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्ययन पूर्णतः अध्यापक देश के अलग अलग जिलों से, जिनको रहने की व्यवस्था विद्यालय कैंपस में होती है। बच्चों के लिए विद्यालय के अंदर हेल्दी वातावरण, यहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स व सेल्फ डिपेंड पर कार्य किया जाता है। प्रत्येक छात्र को उसकी प्रतिभा निखारने को मौका दिया जाता है। CBSE नई दिल्ली से संचालित विद्यालय, जिसका CBSE एफिलिएशन क्रमांक है 17311 9, जिसके प्राचार्य श्री प्रवीण त्यागी जी हैं।
हमारा पता है आशियाना कॉलोनी धूलपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर 9928623387। दूसरा मोबाइल नंबर 9589641222। राजपूत समाज की कल होगी बैठक आयोजित, प्रमुख मुद्दों पर होगी चर्चाएं। सरमथुरा उपखंड में कल रविवार को राजपूत समाज ब्लॉक सरमथुरा की बैठक का आयोजन दोपहर 1 बजे से प्रयाग सिंह महारपुर वालों के निवास पर किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक की नवीन कार्यकारिणी का गठन करके समाज हित के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सरमथुरा ब्लॉक के समस्त गाँव के राजपूत बंधु भाग लेंगे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बाड़ी शहर के वार्ड नंबर 9 स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में देर रात चोरी की घटना हुई। चोरों ने स्कूल की चारदीवारी को फांद कर प्रवेश किया और स्टोर रूम का ताला तोड़कर बच्चों के पोषाहार सहित गैस सिलेंडर तोलने के कांटे को चुरा ले गए। घटना के बाद आज सुबह जब संस्था प्रधान स्कूल पहुंची तो मामले की जानकारी हुई। इसके बाद स्कूल पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली, वहीं थाने में चोरी की रिपोर्ट दी गई। राजकीय विद्यालय की संस्था प्रधान मिथिलेश शर्मा ने बताया कि वह स्कूल में एकमात्र स्टाफ है जो पोषाहार के साथ बच्चों के अध्ययन को कराती है। कल शुक्रवार को स्कूल खत्म होने के बाद वह ताला लगाकर बंद करके गई थी। इसके बाद आज सुबह आकर जब स्कूल खोला तो स्टोर रूम का ताला टूटा मिला। गौरतलब है कि उक्त विद्यालय में चार दीवारी पूर्णतः सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते अब तक कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी है। हर बार विद्यालय संस्था प्रधान द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है, लेकिन पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के अलावा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती। इसी के चलते चोरों के हौसले बुलंद हैं और वे बार बार विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। घटना के बाद से वार्ड 9 के लोगों में आक्रोश है और उन्होंने पुलिस से चोरी की इस घटना के खुलासे की मांग की है। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ एवं वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती है। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर सेपो रोड धौलपुर, प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार, 9414583770, निर्देशक इंदर सिंह पवार, 8005888939। मनिया क्षेत्र का अग्रणी विद्यालय श्री गणेश आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय देरी मनिया धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगी आपको नंबर 1 फैकल्टी जैसे विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। जिले में एकमात्र सरकारी सेवा में चयन कराने वाला विद्यालय। चिकित्सा के बाद अब शिक्षा के क्षेत्र में भी अव्वल। इंजीनियरिंग, चिकित्सा व शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक चयन कराने वाली संस्था। विद्यालय समय के उपरांत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर भी बल व फाउंडेशन कोर्स की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन्स ओपन। प्रधानाचार्य कुमार सेन लोधी, मोबाइल नंबर 9929342633, व्यवस्थापक शेर सिंह लोधी, मोबाइल नंबर 9928903928। खुशखबरी, 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 अब आपके शहर धौलपुर में रोटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के इलेक्ट्रिक ई बाइक, ई स्कूटी, ई लोडर आ गया है। हमारा पता बालाजी मोटर्स राजाखेड़ा रोड पर, तंगावली मोड़ धौलपुर। इंक्वायरी नंबर 8209977621। निवेदक सतीश दुबे, एक बार सेवा का मौका जरूर दे। नोट, रोयटो इलेक्ट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बाड़ी, भसेड़ी, सरमथुरा, सेतव, राजाखेड़ा, मनिया, मरीना, बसई नवाब, कंचनपुर आदि जगहों पर डीलरशिप के लिए आप हमसे संपर्क करें। सतीश दुबे, कॉन्टैक्ट नंबर 9610079879। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,
आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब। अनुशासित वातावरण और स्काउट, एनएसएस और एनसीसी की सुविधा। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, फुली एसी विद स्मार्ट क्लास, घंटाघर रोड धौलपुर, एडमिशन ओपन। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।